हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है नैन्सीज ऑल इन वन चैनल पर। और अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में गए और आपको अचानक से स्क्वायर फाइंड करने के आ गए, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सपोज के आपको अचानक से पूछ लिया कि 85 का स्क्वायर आप ढूंढो, तो आप गिनने थोड़ी बैठोगे। एंट्रेंस एग्जाम में तो बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आपको फट से सेकेंड्स के अंदर आंसर देना होता है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 5 है उसका स्क्वायर तो आपको पता ही है 25, तो इसको आपको 25 लिख देना है। और ये जो 8 है उसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। 8 9 72 और ये 25, हो गया आपका आंसर। वैसे ही सपोज के 65 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 5 का तो आपको पता ही है 25, और ये 6 का कर दोगे 6 7 जा 4 और 2 6 7 जा और ये 25। ऐसे ही आपको 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन आपको मिलते जाएंगे। तो चलो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक जो की है उससे करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 2 3 जा 6, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद क्या आएगा? 4, 4 3 जा 12, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30। तो ऐसे ही आप सबके स्क्वायर ढूंढ पाओगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, सेकेंड्स में हो जाएगा। उसके बाद सपोज के 100 के ऊपर के नंबर आ गए, मोर देन 100 आ गया, तो उसके स्क्वायर्स हम कैसे ढूंढेंगे? तो मोर देन 100 में सपोज 102 का स्क्वायर आपको ढूंढना है, तो 100 जो है उससे कितने नंबर ज्यादा है? तो 2 नंबर ज्यादा है, तो ये 2 का स्क्वायर हम पहले लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4, लेकिन डबल डिजिट है तो हम लिखेंगे 04। उसके बाद 10 में हमने कौन से नंबर ऐड किए? तो 2 नंबर ऐड किए तो 102 हो गया। तो जितने नंबर यहाँ पे ज्यादा है 100 से ऊपर उसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? 104 और 04, तो 104 04 आपका आंसर है। बहुत ही इजी है, सेकेंड्स में हो जाएगा।